कि शिमला में रूम्स फुली फर्निश्ड हाफ फर्निश्ड कैसे मिलते हैं इस रूम का प्राइस है आलू और लिंगर की सब्जी कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन जानता है लिंगर क्या है तो ऐसा है फैमिली <laughs> हाँ माई यदि फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी डूइंग वेल तो फैमिली आज की वीडियो होने वाली है रूम टूर के ऊपर बिकॉज़ यू पीपल वांट्स टू नो कि शिमला में रूम्स फुली फर्निश्ड हाफ फर्निश्ड कैसे मिलते हैं और कितना प्राइस उनका रहता है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना दूँ इसके ऊपर तो मैं फटाफट से आपको ले चलूँगी रूम के अंदर और रूम में आपको दिखाऊँगी कि कैसे रूम रहते हैं कितने बड़े रहते हैं और क्या क्या आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है प्लस जो इसका प्राइस है जो इसका रेंट है पर मंथ का वो मैं आपको एंड में बताऊंगी तो ज़रूर बने रहिए एंड तक सो लेट्स गेट गो इन साइड चलो चलते चलो। हैं जल्दी से अंदर की तरफ ये है हमारी एंट्री टन चणा शुभारंभ तो फैमिली ये है रूम काफ़ी अच्छा है इसका एरिया है और पेंट वगैरह जो है मैंने वो खुद करवा रखा है बिकॉज इसमें पहले ऐसा पेंट था जैसे Um, सरकारी घरों में होता है येलो कलर का वैसा और सामान वामान रखने के लिए देखो यहाँ पे शेल्फ है जो भरी पड़ी है पूरी पूरी सामान के साथ और रिंग लाइट मैंने जला रखी बिकॉज अंधेरा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था ब्लर आ रहा होगा कहीं है ना पता नहीं काम करेगी कि नहीं और सामने मैंने रखा है शू रैक और अलमीरा मैंने ली नहीं अभी तक कपड़े रखने के लिए तो ये नीचे पड़ा है सारा सामान और विंडो देख सकते हो आप कितनी मस्त है इतनी बड़ी बड़ी विंडो है और बाहर का व्यू तो एकदम एक नंबर ही है और शू सारे शू रैक से बाहर पड़े और मम्मा का फ़ोन भी लगा है यहाँ पे ओहो और ये दरवाजे पीछे मैंने पेटी रखी है और ये भी देखो कितनी मस्त सी विंडो है ना तो ये है हमारा फर्स्ट रूम एंट्री जो बहुत अच्छा है मतलब फैमिली के लिए बहुत अच्छा है ये रूम चलो चलते हैं अंदर की तरफ और गंद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना बिकॉज बहुत ज़्यादा गंद पड़ा है चलो वैसे ही टन टा टा तो फैमिली जैसे आप लोग जानते हैं मैंने जो पहले से बने हैं मैंने बेड वेड नहीं लिए नीचे ही गद्दे लगा रखे हैं और वहाँ पे है मेरी क्यूट सी फैमिली टैडी की फैमिली और ये है हमारा सेकंड रूम ओह जय हो, हो भगवान जी तो यहाँ पे कुछ लगी है ये शेल्फ पे सामान वामान रखा है थोड़ा सा और थोड़ी सी सेल्फ यहाँ पे जहाँ पे बिस्तर बिस्तर रखे दूसरे रूम में भी आपको ऐसी सेल्फ मिलेगी और नीचे ऐसा रहता है ऐसा है नीचे सीमेंटेड है नीचे टाइले वायलें नहीं लगी है सीमेंटेड है और एक बड़ी सी विंडो वो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना और ये डोर बंद और डोर के पीछे भी लटका रखा है सामान सामान मतलब कपड़े और बहुत सारा सामान 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 अब चलते हैं यहाँ से सीधा अंदर की तरफ तो ये है हमारा छोटू सा प्यारा सा किचन जो कि आपको बाहर से दिख रहा है जिसमें आपको बर्तन ही बर्तन देखने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे साथ में मेरे बहुत सारे हरे भरे डब्बे इसके अंदर मैंने सामान भर रखा है और हेयर इज माई ममरी आप लोग बोलोगे कि क्या बोलोगे आप हाँ आप बोलोगे कि बाहर से बड़ी कुंडी खोलते हुए आइए अंदर मम्मा को बंद कर रखा है ना तो मम्मा काट रहे हैं यहाँ पे क्या बना रहे हैं मम्मा आप की सब्जी आलू और लिंगड़ की सब्ज़ी कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन जानता है लिंगड़ क्या है तो ऐसा है फैमिली <laughs> यहाँ पे नीचे है टाइल लगी है यहाँ पे और ऊपर दीवार में भी टाइल लगी है पूरी नहीं लगी है हाफ हाफ में टाइल लगी है एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है यहाँ पे और गैस वैस तो यार हमने खुद ही लिया ये कोई नहीं देने वाला और साथ में यहाँ पे एक शेल्फ भी है जहाँ पे आप अपने हरे भरे डब्बे रख सकते हैं जैसे मैंने रखे हैं देखो और कुछ कील लगी हुई थी यहाँ पे पहले से ही बहुत अच्छ क्या हो रहा है बहुत अच्छा ये क्या हो रहा है बहुत अच्छा सा प्यारा सा है और अंदर को है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना ये है हमारा वॉशरूम चप्पल दो रहे हैं मम्मा चप्पल हटा रहे हैं ये है हमारा वॉशरूम अच्छा सर हमें बताना भूल गई ये देखो ये सिंक है जिसमें मम्मी ने सब्ज़ी डाल रखी है अभी इसमें हम बर्तन वर्तन धोते हैं बट मम्मा ने अभी सब्ज़ी डाल रखी है धोने के लिए चलो और ये है हमारा वॉशरूम के अंदर वाला वॉश बेसिन और ये सिर्फ़ में वॉशरूम है यहाँ पे लेटरिन वगैरह नहीं है जिसमें टाइल्स वगैरह लगी हुई है ये इतना है ये अच्छा ही है ना वैसे एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा है फैमिली अब आप लोग सोच रहे हो होंगे कि अगर पॉटी वॉटी करनी होगी तो कहाँ जाते होंगे वहाँ पे मैं आपको लेके चल रही हूँ बिकॉज आप लोगों को पता तो है कि शिमला के लोग थोड़े धार्मिक टाइप होते हैं ना तो क्या होता है कि कई जगह पर तो आपको जो वॉशरूम्स है वो अंदर ही मतलब वॉशरूम नहीं लेटरिंगस वगैरह जो आपको अंदर ही अटैच मिल जाएगी बट कई जगह पर नहीं होगी बिकॉज ये लोग मतलब ये लोग नहीं हम लोग देवी देवताओं को बहुत मानते तो कई जगह पर ऐसा होता है कि जो लैटरिंग्स है वो अंदर बनाने की परमिशन नहीं देते हैं इनके देवी देवता कुछ लोगों के हम लोगों के घर में तो है बट कुछ लोगों के नहीं देते तो लेटरिंग यहाँ पर थोड़ी दूर है मैं आपको बता देती हूँ है ना तो फैमिली ये है यहाँ पे लेटरिंग बनी हुई और नीचे तक देख सकते हो आप ये सबकी लेटरिंग है नीचे को अब से दिखेगी नहीं ये ये सब की से यहीं पे ही है और हमारी फर्स्ट नंबर वाली लेटरिंग ये थी हमारी रूम टूर वाली वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अभी मैं खड़ी हूँ किचन में मम्मा के पास से है मम्मा हाँ तो हो जाएंगे बाद में साफ आए बोल दो मम्मा साफ कर रहे हैं पहले तो फैमिली कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार देना और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ एंड में मैं आपको प्राइस तो बताना भूल ही गई तो हमारे हमारे नहीं मतलब इस रूम का प्राइस है फोर्टी फाइव हंड्रेड पर मंथ फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ हम पे करते हैं इस रूम के लिए हर महीने और मेरे हिसाब से अच्छा बिकॉज मौसम ऑसम व्यू परफेक्ट ऐसा है ये रूम कुछ और पानी की चौबीस घंटे यहाँ पे सप्लाई रहती है पानी की कोई दिक्कत नहीं है और बिजली का बिल वैसे भी थोड़ा कम कर दिया माफ़ कर दिया सरकार ने है ना तो उसके वैसे मज़े हैं तो फैमिली अगर आप शिमला में रूम वग़ैरह लेना चाहते हो ना तो आप अच्छे ले सकते हो मैंने थोड़ा विलेज टाइप एरिया में लिया है बिकॉज़ क्या होता है ना कि अगर मैं काफ़ी ऊपर रोड वाली सड़क साइड भी काफ़ी थे वो थोड़े कॉस्टली भी थे और आ, फर्निश्ड भी थे वो अलग चीज़ है बट फिर सारी रात दिन भर शोर शराबा बसेस ट्रक की टैं 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 लगी रहती है यहाँ पे बड़ा काम सा रहता है अपने अलग से जब एक बार आगे ड्यूटी से तो एकदम मस्त सुकून मिलता है यहाँ पे है ना मम्मा यस यस बेटा आपको कैसा लगता है ये रूम बहुत बहुत सुपर हम्म देखा तो ये था रूम टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मिलते जल्दी नेक्स्ट में कोई आपकी क्वारीज है तो कमेंट में डाउन आई विल लेट यू नो और एक बात मुझे बोलनी थी और कि जो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को रूम दिला दो कैसे दिलाऊं मैं रूम मैंने खुद बड़ी मुश्किल से रूम ढूंढा है तो फैमिली अगर आप रूम लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा खुद ढूंढना पड़ेगा रूम बस मैं आपको बता सकती थी कि 4500 फाइव में ऐसा रूम यहाँ पे मिलता है बाकी इससे हाई फाई चाहिए तो इससे हाई फाई भी है इससे कम वाले चाहिए तो कम भी और मेरा टू रूम सेट है तो काफ़ी अच्छा मुझे मिला है बस इतना ही बोलना मुझे बहुत बोल वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बाय बाय पीस आउट से पीस आउट ममा पीस आउट बाय बाय